माय नेम इज नीलेश गोस्वामी और आज मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा लाइफ में स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। इसके बाद अगर आपको स्ट्रेस होती है तो दो ही कारण हो सकते हैं कि या तो आप ये टेक्निक भूल गए हैं या फिर आपको स्ट्रेस में मजा आता है। सी लाइफ में दो चीजें होती हैं, वन इज एक्सपेक्टेड, अनदर इज अनएक्सपेक्टेड। अगर मान लिया जाए आप घर से बाहर निकलते हैं और बाहर आपको एक गाड़ी खड़ी मिलती है फरारी और उस पर लिखा होता है कि ये आपको गिफ्ट कर दी गई है, तो क्या ये एक्सपेक्टेड होगा कि अनएक्सपेक्टेड होगा? ये अनएक्सपेक्टेड होगा बट पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड होगा। इसी तरह से अगर आप घर के बाहर निकलते हैं और आपकी गाड़ी को उठा के ले जाता है तो ये हमारा एक नेगेटिव अनएक्सपेक्टेड। लाइकवाइज हमारे को सैलरी आती है महीने के एंड में 30 तारीख को सैलरी हमारे अकाउंट में जमा हो जाती है, ये हमारा एक्सपेक्टेड है विच इज न्यूट्रल जीरो। आप घर में जाते हैं आपकी वाइफ चाय के लिए पूछती है, ये आपका एक्सपेक्टेड है। नहीं पूछती है तो इन्हें बोलती है खुद बना लो, नहीं तो एक्सपेक्टेड है। नहीं, आपको कोई सेलिब्रिटी है कैटरीना कैफ है मान लो, वो आपको बोलती है कि वुड यू मैरी मी, तो ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड है। राइट, तो इसको अगर हम लिखें तो ये हमारा पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड है, ये हमारा एक्सपेक्टेड है और ये हमारा नेगेटिव अनएक्सपेक्टेड है। अब लाइफ में हो क्या रहा है कि ये पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड तो होता नहीं है, तो इसको तो हम हटा देते हैं। अब ये बचा एक्सपेक्टेड जीरो और नेगेटिव अनएक्सपेक्टेड। तो अगर हम इसको चेंज कर लें, अगर हम इसको बना लें अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव, इसको अगर हम अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव लिख दें और इसको एक्सपेक्टेड लिख दें, राइट, जीरो माइनस को प्लस और जीरो बना दिया। अगर मान लो आप मेट्रो में जा रहे हैं और आपकी जेब कट जाती है एक्सपेक्टेड, और नहीं कटती है पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड। इंजॉय करो लाइफ को, नाचो गाओ। घर में जाते हैं वाइफ पूछती है चाय बनाओ पी लो, मैं चाय बनाती हूँ पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड इंजॉय। अपनी बनाओ और कपड़े भी खुद से धो एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लाइफ को जिएंगे तो लाइफ विल बी हैप्पी, देयर विल बी नो टेंशन। कहां भी गए हैं इफ देर इज ए प्रॉब्लम इज वेदर देर इज ए प्रॉब्लम यस देन कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, इफ इट इज यस वट इज द प्रॉब्लम, इफ इट इज नो वट इज द प्रॉब्लम, एंड इफ देर इज नो प्रॉब्लम देन वट इज द प्रॉब्लम। So where is the problem? Just enjoy the life. और अगर हम ये नहीं करना चाहते so तो हम अपने अंदर एक anger create करेंगे which will affect our health, हमें ही उसको उसका नुकसान होगा। एक resentment अंदर आ जाएगा हमारा जो कि terminal diseases तक हमें दे सकता है। तो choice is yours whether you want to enjoy life in this mode or another mode. That's it.